तो अपने ऐश आ चुका है फाइनल पड़ाव में, जहां पे अपने ऐश के केवल एक ही पोकेमोन बचा है, वो है पिकाचू। और अपने हेवन के अभी भी दो लेजेंडरी मॉन्स्टर पोकेमोन बचे हैं। क्या अपने ऐश का पिकाचू द लेजेंडरी द गोल्ड मॉन्स्टर पोकेमोन को हरा पाएगा या नहीं, ये देखेंगे इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो यार जाओ जल्दी से चेकआउट करो, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी एपिसोड आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, तो जाओ जल्दी से देखो जिससे आप लोग को स्टोरी समझ में आए। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। तो चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो अपने रेशराम के उस लेजेंडरी अटैक के कारण अपना पिकाचू उस अटैक को नहीं झेल पाता और वो उस अटैक के लगने के कारण अपना पिकाचू बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसके बाद ये सीन देखते ही अपना ऐश पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और ग्राउंड में एकदम सन्नाटा हो जाता है। तभी सेड अपना होते ही कहते हैं, अरे नहीं ये क्या, पिकाचू को उठना होगा, ऐसे नहीं हार सकता। तभी सेड काल भी देख रहा होता है उस मैजिकल मिरर का यूज करके। तभी अपना काल कहता है, क्या बात है, आखिर हेवन ने कर ही दिखाया उस पोकेमोन को हरा का। और फिर लेजरस और काल जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस साइड अपनी ऐश की सभी दोस्त उदास हो जाते हैं और वो अफसोस करने लगते हैं। तभी साइड अपना ऐश कहता है, नहीं पिकाचू ऐसा नहीं हो सकता, तुम हिम्मत नहीं हार सकते पिकाचू, तुमको उठना होगा। और फिर हम देखते हैं कि तभी अचानक से अपना पिकाचू जख्मी हालत में भी फिर से उठने की कोशिश करने लगता है। तभी अपना ऐश कहते हैं, हाँ जल्दी से उठो पिकाचू, तुम कर सकते हो। तभी अपना पिकाचू पूरी अपनी पावर लगाता है और कैसे भी करके उठने की कोशिश करने लगता है। और तुरंत हम देखते हैं पिकाचू एक बार फिर से चमकने लगता है और ये सीन देखते ही अपने सभी लोग शॉक हो जाते हैं ग्राउंड के। तभी हेवन कहता है, अरे नहीं ये क्या हो रहा है, पिकाचू एक बार फिर कैसे चमक रहा है। तभी सर अपना ऐश कहता है, हाँ पिकाचू तुम कर सकते हो, तुम जो भी करना है तुमको ही करना है। और फिर हम देखते हैं कि अपना पिकाचू फुल पावर के साथ अपने गॉड एवोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है और फुल पावर के साथ जोरदार गॉड पंच अटैक कर देता है, जो कि सीधे लगने ही वाला होता है रेशीराम के। तो इस अपना हेवन कहता है, जल्दी से उस अटैक को रोको। और फिर हम देखते हैं कि रेशीराम उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट अपने पिकाचू का वो गॉड पंच इतना ज्यादा वो पावरफुल होता है, जो कि सीधे विशाल रूप लेकर तुरंत ही लग जाता है अपने रेशीराम के। और वो अटैक लगते ही रेशीराम दूर जाके दीवार में फिगर जाता है और दीवार पूरी की पूरी टूट जाती है और रेशीराम पूरी तरीके से हार चुका होता है। और ये सीन देखते ही हेवन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और क्राउड पूरी तरीके से चिल्लाने लगती है, पिकाचू पिकाचू। तभी ग्राउंड में अनाउंस होता है कि रेशीराम अब लड़ नहीं सकता और अब केवल हेवन के पास एक पोकेमोन बचा है। और देखते हैं कि अपना हेवन कैसे जीतता है ऐश से। और वो आखिरी पल आ ही जाता है जहां पे अपना ऐश वर्सेस होगा हेवन का लास्ट मैच, लास्ट राउंड। और तभी अपना हेवन कुछ सोच रहा होता है, तभी सेड अपना ऐश कहता है, क्या हुआ हेवन, क्या सोच रहे हो, चलो अब निकालो अपना लास्ट पोकेमोन, मुझे कैसे भी करके तुम्हारे इस पोकेमोन को हराना है और मुझे अपने दोस्तों को आजाद कराना है। तभी अपना हेवन हंसने लगता है जोर जोर से और कहता है, हा 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 क्या ऐश, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी मेरे सामने आकर, क्योंकि ये तुम्हारी ख्वाहिश कभी मैं पूरी होने ही नहीं दूंगा, मैं तुमको हरा दूंगा यहीं की यहीं, और मेरे इस पोकेमोन का कोई भी मुकाबला आज तक नहीं कर पाया और ना ही तुम कर पाओगे। तभी अब नैश कहता है, ये डायलॉग बाजी और कहीं मारो, अब तुम चलो पैडल करो, अटैक करो पोकेमोन बुलाकर। तभी अपना हेवन कहता है, तो ठीक है तुम मिलो मेरे द गोट लेजेंडरी पोकेमोन से, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमोन है, जल्दी से बाहर आ जाओ ड्रैगमोन। और फिर हम देखते हैं कि हेवन निकाल लेता है अपने सबसे पावरफुल मोस्ट पोकेमोन को, जो कि होता है ड्रैगमोन, और उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और उसकी साइज को ही देखकर ग्राउंड में सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। तभी उस पोकेमोन को देखते ही अपना ऐश कहते हैं, अरे नहीं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट पिकाचू तुम डरना मत, हम लोग जीत कर सकते हैं, हम लोग जीत कर रहेंगे इस बैटल को। तभी सेड अपना होते ही कहता है, पता नहीं अब अपना ऐश कैसे जीतेगा इस पावरफुल पोकेमोन से, बट ऐश ये कर सकता है, उसके पास अभी भी गॉड एवोल्यूशन है पिकाचू का, वो कर सकता है अगर वो चाहे, बट इसका पावरफुल पोकेमोन ये होने नहीं देगा, हेवन का ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार, अब पता नहीं क्या होगा। तभी सारा कहती है, अरे नहीं मुझसे ये देखा नहीं जाएगा, ऐश को ये जीतना होगा।
तभी सैड अपना हेवन कहता है, तो बताओ ऐश तैयार हो ना मेरा पहला अटैक झेलने के लिए। तभी अपना ऐश कहता है, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तभी अपना हेवन कहता है, तो ठीक है चलो जल्दी से अभी ड्रैगमोन अपनी फ्लेम पावर का यूज करो। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही ड्रैगमोन अपनी फ्लेम पावर का यूज करता है और ऐसा करते ही अपना ड्रैगमोन एक फ्लेम की तरह हो जाता है और चारों ओर आग निकल रही होती है उसके पूरी बॉडी से और वो तुरंत ही अपने पिकाचू की ओर बढ़ता है और वो अटैक सीधे लगने ही वाला होता है अपने पिकाचू के। तभी अपना ऐश कहता है, पिकाचू जल्दी से अभी यूनिवर्सल कट का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू अपने यूनिवर्सल कट का अटैक करता है जहाँ पे दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों के अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं बट अपने ड्रैगमोन का वो फ्लेम पावर बहुत ही ज़्यादा होती है जिसके कारण वो सीधे पिकाचू के अटैक को डिफीट कर देता है और तुरंत ही लग जाता है पिकाचू की जिसके कारण अपना पिकाचू स्पीड के साथ दूर फिकर जाता है और वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है बट वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी सैड अपना हेवन कहता है, क्या हुआ ऐश? बस ये तो नॉर्मल अटैक है, इसको तुम नहीं झेल पा रहे, पावरफुल अटैक क्या ही झेलोगे। तभी अपना ऐश कहता है, अरे नहीं पिकाचू हम कर सकते हैं, तुम कर सकते हो, चलो अब हमारी बारी है पावरफुल अटैक करने की, जल्दी से जायंट एक्स थंड बोल अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू एक बहुत बड़ा जायंट एक्स थंड बोल्ट बनाने लगता है जो कि ड्रैगमोन के ऊपर लगने ही वाला होता है। तभी साइड अपने हेवन कहता है, अच्छा पावरफुल अटैक, कोई बात नहीं करो करो, चलो अब हम भी करेंगे ना, जल्दी से ड्रैगमोन तुम अपने यूनिवर्सल फायरबॉल अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि तुरंत ही अपना ड्रैगमोन यूनिवर्सल फायरबॉल अटैक कर देता है। तभी साइड अपना ऐश कहता है, जल्दी से तुम भी थ्रो करो अटैक। और फिर हम देखते हैं कि अपना पिकाचू उस अटैक को थ्रो कर देता है जहां पे दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं और इस बार दोनों के अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं जहाँ पे अपने पिकाचू का यूनिवर्सल एक्स थंड बोल्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि धीरे धीरे टक्कर दे रहा होता है अपने ड्रैगमोन के यूनिवर्सल बॉल को। तभी अपना हेवन कहता है, हाँ पूरी पावर लगाओ जल्दी से। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैगमोन अपने यूनिवर्सल बॉल में और भी ज़्यादा पावर लगाता है जहाँ पे अपने पिकाचू के अटैक को धीरे धीरे डिफीट करने लगता है। तभी अपना ऐश कहता है, अरे नहीं पिकाचू जल्दी से और पावर बढ़ाओ। और फिर हम देखते हैं कि अपना पिकाचू उस अटैक को डिफीट करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता और देखते ही देखते अपने ड्रैगमोन का वो अटैक सीधे डिफीट करते हैं सीधे जाके लगने वाला होता है अपने पिकाचू की। तो बस क्या होगा, क्या ड्रैगमोन अपने पिकाचू के गॉड एवोल्यूशन को भी इसलिए हरा देगा, ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट रखना। और मैं वीडियो इसलिए रेगुलर नहीं डाल पा रहा क्योंकि यार मैं थोड़ा सा नवरात्रि का उत्सव मना रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रहा, बट टेंशन नॉट, मैं जल्द ही रेगुलर वीडियोज डालूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने इस सीरीज के सभी एपिसोड नहीं देखे तो यार ये प्ले लिस्ट बनी हुई है, जल्दी से जाओ और जल्दी से चेकआउट करो सभी के सभी एपिसोड। तो बस फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।